Hi everyone, this is Shubhi Johri and I would like to grab the opportunity to welcome you all and invite you all to our upcoming production that is on 30th August in Kamani Auditorium named Adhyan. मैं और शुभि हम दोनों ही कथक केंद्र में सीख रहे थे और मैं पंडित राजेंद्र गंगानी जी से अपनी शिक्षा ले रहा था उसी समय और एट द सेम टाइम उसी समय शुभि भी जयकिशन महाराज जी से अपनी शिक्षा ले रही थी तो हम दोनों ही एक अलग घराने से बिलोंग करते हैं जैसे शुभि है लखनऊ से मैं जयपुर से तो हमेशा हम भिन्नता की बात करते थे अलग होने की बात करते थे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है इसके अंदर क्या डिफरेंस है तुम्हारी बंदिशों में ये अंतर है हमारी बंदिशें ऐसे हैं लेकिन समानता की बातें नहीं होती थी तो जिस समय हम मिले हम एक टूर पर गए थे चाइना जहाँ पर हमने इस चीज़ को करने का सोचा कि हम कोशिश करते हैं कि कोई समानता वाली बात करें तो हमने उस सोच से 2013 के अंदर 11 अप्रैल को अपना प्रोडक्शन कमानी में किया था जिसका नाम समानता था जिसमें दोनों ही घरानी की बंदिशें दोनों ही घरानों की बातें हुई थी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ था इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आद्यांत के अंदर उसी तरीके से सफल हो पाएँ Concept of Adhyant came into our minds when we thought of the journey we've been traveling through of being a dancer. So when we started on with our training, we started with the same ta, thei, thei, tat, and then evolved as dancers, taking all the obstacles we faced in our field, then all the criticism that we had to accept to become good dancers. So the basic thought behind Adhyan, the name itself says endless, infinite. And then we combined this infinite journey of a dancer with the name of Lord Krishna. And Krishna is himself known as Adhyan, Adi and Anant. So we try to make this concept interesting by involving Krishna because we as dancers connect with Krishna. And we've been always taught the Shringar Ras of Krishna, the playful mood of Krishna. How can we integrate Krishna into a dancing field? So the people connect with the concept easily if we integrate the concept of Krishna with the journey of a dancer. इस बार जो concept रखा है इसमें हमने अपनी एक dancer की journey देखने का सोचा है कि dancer अपनी लाइफ टाइम के अंदर क्या देखता है अभी तक हमने जो देखा है लाइक हमारा जो एक्सपीरियंस है वही शेयर कर पाएंगे क्योंकि जितना हम अभी तक सीख पाए हैं जितना अभी तक कर पाए हैं जिनके साथ भी काम कर पाए हैं जैसे कि दृष्टिकोण डांस कंपनी के साथ काम किया हमने अदिति दीदी के साथ में और उनकी भी सोच इसके अंदर आपको नज़र आएगी क्योंकि उनके जिनके साथ आप जुड़ते हैं उनका कहीं ना कहीं अंश आपको मिलता ज़रूर है ऐसे ही इसी तरीके से अभी हमने शुरुआत की है आद्यांत की तो एक डांसर की जर्नी दिखा रहे हैं कैसे वो शुरुआत करता है एक स्टूडेंट अपने गुरु के पास जाता है वो क्या सीखता है सबसे पहले तत्कार के बोल सीखता है ता थई थई तत आ थई थई तत और बड़े गुरु लोग सभी यही कहते हैं कि जो भी कथक है वो इसी के अंदर बसा हुआ है सिर्फ ये चार बोल हैं ता थई थई तत और इसी से शुरुआत होती है यहीं से हम अपने प्रोडक्शन को शुरू कर रहे हैं ये एक क्लू और हिंट भी हो सकता है आपके लिए कि ये कैसे हमारा प्रोडक्शन शुरू होगा और उसके बाद जाके हम और क्या लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं गुरु से क्या क्या पाते हैं क्या क्या बंदिशें लेते हैं वो सभी इसके अंदर आपको मिलेंगी मिलन का मोह विरह की पीर मिलन का मोह विरह की पीर दुख गंभीर
प्राण अधीर दुख ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर सपोर्ट सो प्लीज बी देयर प्लीज आइए 30th अगस्त कमानी ऑडिटोरियम हम आपका जरूर जरूर इंतजार करेंगे धन्यवाद मिलन का मोह विरह